सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं राम मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ गवर्नमेंट जॉब एकेडमी चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था, मेल मिलाप वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, संधि वाला, और हम लोग आ गए किस पे, शब्द पे आ गए। हमने भाषा बोली लिपि से पढ़ना स्टार्ट किया था, भाषा सीखा था, बोली सीखा था, लिपि सीखा था, फिर हम लोग वर्ड पे पहुंच गए थे जो सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम लोग वर्ड से बढ़ गए, कहाँ चले गए, शब्द पे। शब्द कैसे बनता है, वर्ड से मिलकर बनता है शब्द। तो अब हम लोग पहुँच गए शब्द विचार और शब्द रचना प्रक्रिया पे। तो दोस्तों, शब्द विचार हम ऐसे इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पढ़ने का एक मेथड होना चाहिए दोस्तों। जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो आपको सफलता की गारंटी नहीं देती है, लेकिन आप जहाँ भी जितनी मेहनत किए हैं, अगर ढंग से किए हैं, आपको सारी चीज़ें आती हैं, तो आप खुद बताओ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से ही आते हैं ना। पढ़ने का तरीका आपका गलत होता है। आपने यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, फिर क्या होता है, फिर वही चीज़ आगे जो आप छोड़ दिए हो वो गलती हो जाती है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो मेरा ये टारगेट है, मैं इस टारगेट को लेके चल रहा हूँ और उसे पूरा भी करूँगा कि आप जैसे 700 मीटर दौड़ रहे हो तो 1 किलोमीटर दौड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, 200-300 मीटर और दौड़ लो। मेरा जितना भी कोर्स है, इसे करने के बाद कोई भी एग्ज़ाम दो, आपके जो कॉन्सेप्ट बेस पे आ रहे हैं, जो इस बेस पे आ रहे होंगे, इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, वो ना तो आपके गलत होने हैं, ना तो कहीं बाहर से आएंगे। तो अब हम लोग शब्द विचार पढ़ने से पहले इसको 5 भागों में बांटेंगे। 5 भागों में कैसे बांटेंगे दोस्तों, पहले बांटेंगे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। पहला हमारा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर है। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा स्रोत के आधार पर है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर है। तीसरा किसके आधार पर है दोस्तों, तीसरा अर्थ के आधार पर है। और चौथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर है। और पांचवा क्या है दोस्तों, प्रयोग के आधार पर। तो हम लोग इसे 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक एक सेगमेंट पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग व्युत्पत्ति रचना के आधार का जो पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, इसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर पढ़ेंगे। और इसमें देखो दोस्तों, पर्यायवाची विलोम, एकार्थक, अनेकार्थक, श्रुतसम, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका मैं एक सामान्य सा परिचय दूंगा। इसको अभी नहीं कराऊंगा, इसको सबसे लास्ट में कराऊंगा, इसकी सीरीज कराऊंगा। जैसे पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, समान वाला हो गया। विलोम शब्द क्या हो गया, उल्टा हो गया। एकार्थक शब्द क्या हो गया, इसका मैं सामान्य परिचय दूंगा। और शुरू कहाँ से करूँगा, शुरू मैं यहाँ से करूँगा, उत्पत्ति या रचना के आधार पर रूढ़ शब्द। तो सबसे पहला मेरा क्या होगा, रूढ़ शब्द। क्या होगा, रूढ़ शब्द। तो दोस्तों, रूढ़ क्या होता है, आपने सुना होगा, रूढ़िवादी हैं, उनकी परंपरा बहुत रूढ़ है। रूढ़ मतलब कठिन, जो एक ही शब्द के लिए परंपरागत रूप से फिक्स हो जाए, जड़ हो जाए, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द का तात्पर्य है दोस्तों, जिसको खंडित नहीं किया जा सके और वो किसी एक अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाए, एक शब्द के लिए, उसको अगर खंडित करोगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा फिर। मतलब रूढ़ क्या है दोस्तों, एक ही अर्थ के लिए, एक ही शब्द के लिए प्रयुक्त हो जाए, जिसका कोई खंड ना हो और वो अपने आप में ही अर्थ प्रकट करता हो, खंड करने पर वो अर्थहीन हो जाता हो। जैसे रूढ़ शब्द क्या है, जैसे हम लोग दोस्तों रूढ़ में हम लोग ले लिए एक एग्जाम्पल नल। अब आप एक बात बताओ, नल शब्द से हम क्या समझ रहे हैं, नल समझ रहे हैं वही नल जो होता है ना, पानी वाला नल। तो अब इसको अगर हम ना कर दें और ला कर दें, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये रूढ़ शब्द हो गया, ये नल एक के लिए ही प्रयोग हो रहा है और उसी के लिए जड़ हो गया, तो क्या हो गया, ये रूढ़ शब्द हो गया। दूसरा जैसे हाथ है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हाथ। अब आप एक बात बताओ, हा को अलग कर दो, था को अलग कर दो, कुछ निकला, कुछ नहीं निकला, वो तो व्यंजन हो गया फिर। तो ये क्या हो गया, हाथ हो गया रूढ़ शब्द, मतलब इसको हम खंडित नहीं कर सकते, ये इसी चीज के लिए हाथ बोलेंगे क्या समझ में आएगा, भुजा, यही नहीं, नल बोलेंगे कौन सा, तो नल ही समझ आएगा, पानी वाला। तो दोस्तों हाथ हो गया, नल हो गया, ये रूढ़ शब्द हो गया। अच्छा, यौगिक क्या होता है, यौगिक, यौगिक जैसा कि तात्पर्य आपको दोस्तों समझ में आ रहा है, यौगिक योग से, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना।
जो दो शब्द आपस में मिलकर जुड़े हुए होते हैं, दो शब्द आपस में मिलकर जुड़े हुए होते हैं, ध्यान देना, अगर हम उनको अलग अलग करेंगे तो भी वो अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करेंगे और अर्थ का मतलब रखेंगे, और उनको जोड़ेंगे तो एक तीसरा अर्थ प्रकट हो जाएगा। लेकिन ये जुड़ा हुआ होता है, पहला भाग भी इसका अर्थ वाला होता है, दूसरा भाग भी अर्थ वाला होता है, दो मिलकर बने होते हैं। कैसे? जैसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे दोस्तों देखो, खाना तो खाते ही होगे आप लोग, खाना कहाँ बनता है? रसोई में बनता है। किसमें? रसोई में। और यहाँ लगा दो घर, इसका दो तात्पर्य है, एक घर जहाँ आपका आवास है, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप सोते हैं, और रसोई जहाँ खाना बनता है। अब ये दो शब्द मिलके दोस्तों क्या बन गया? ये बन गया रसोई घर। क्या हो गया दोस्तों? रसोई घर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया यौगिक शब्द। क्या हो गया? यौगिक शब्द। चलो एक उदाहरण और लेते हैं, ये होता है प्रयोग। प्रयोग आप करते हो ना बचपन में, जो साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे 11-12 में सल्फ्यूरिक अम्ल दिया जाता था ना, प्रयोग किया जाता था, सांद्र सल्फ्यूरिक और तन सल्फ्यूरिक। तो अब प्रयोग तो आप पहले से ही करते आए होंगे और बहुत से प्रयोग अपनी लाइफ में किए होंगे। तो ये हो गया प्रयोग और ये हो गया शाला। ये दोनों मिलके क्या हो गए दोस्तों? प्रयोगशाला। तो याद रखना, ये दोनों अलग अलग भी अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इनका अलग अलग भी महत्व है। दोनों मिलके एक नया शब्द बन गया प्रयोगशाला। अब योग रूढ़ क्या होता है? जो रूढ़ भी हो और मिला हुआ भी हो। तो ये समझते हैं हम लोग योग रूढ़ क्या होता है। योग रूढ़ समझते हैं दोस्तों। ये योग रूढ़ कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके अर्थ तो और भी निकलते हों लेकिन वो एक अर्थ के लिए ही प्रयुक्त हो जाता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। मतलब ये दो शब्द मिलकर बना हुआ होता है, जुड़कर बना हुआ होता है यौगिक की तरह, लेकिन इस क्या हो जाता है? ये रूढ़ हो जाता है, मतलब उसी एक शब्द के लिए ही वो फेमस हो जाता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ, उदाहरण है दोस्तों जल प्लस ज, ये क्या होता है? जल मतलब जल, पानी, ज मतलब पैदा हुआ, पानी में पैदा हुआ। पानी में पैदा हुए बहुत से जीव होते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं, लेकिन ये जलज किसके लिए प्रयोग होता है? कमल के लिए। किसके लिए? कमल के लिए। तो ये दोस्तों कमल के लिए रूढ़ हो गया। कमल के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। जब भी हम जलज का प्रयोग करेंगे तो हमारा तात्पर्य कहाँ जाएगा? हमारा तात्पर्य कमल पे जाएगा। और जबकि इसका तात्पर्य क्या है? जल में जन्मा। ज मतलब क्या होता है? पैदा हुआ। क्या होता है दोस्तों? पैदा हुआ। तो आप देखो, जल में पैदा हुआ बहुत सारे चीज हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम जलज शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारा तात्पर्य कहाँ जाएगा? हमारा तात्पर्य जाएगा कमल पे। कौन सा कमल? भाजपा वाला कमल ना? दूसरा हम लोग निशाचर एक उदाहरण लेते हैं। निशा, निशा मतलब क्या होता है? रात्रि प्लस चर, रात्रि में विचरने वाला। रात्रि में विचरने वाला तो आप भी हो सकते हो, रात में निकल जाओ घूमते हुए उधर ना, कनाट प्लेस से घूमते हुए जिधर भी आप जाओ, तो आप भी तो निशाचर हुए। अगर मैं बोल दूं आपसे कि आप तो रात्रि में घूमते हो, तो लेकिन रात्रि में जब घूमने की बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ निशाचर के लिए होगी। किसके लिए? आप बचपन में दादा दादी नाना नानी से कहानियाँ सुने होंगे राक्षस राक्षसियों की। तो क्या होते थे? वो रात्रि में भ्रमण करते थे, तो लोग बच्चों को बोलते थे रात में कहीं मत जाओ, आपको क्या हो जाएगा? निशाचर पकड़ लेगा, राक्षस पकड़ लेगा। तो वही वाला निशाचर है ये, जबकि इसका तात्पर्य, इसका अर्थ एक से अधिक हो रहा है दोस्तों। लेकिन सामान्य इसका अर्थ क्या निकल रहा है? जब भी निशाचर बोला जाएगा, निशा प्लस चर बोला जाएगा, तो इसका तात्पर्य राक्षस राक्षस से ही होगा, जबकि इसका तात्पर्य क्या हुआ? रात्रि में विचरण करने वाला। तो ये इसका हो गया दोस्तों। तो हम लोगों ने शब्द विचार में व्युत्पत्ति रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक शब्द, ये तीनों कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर पांच था, क्या था? तत्सम था,
तद्भव था, उसके बाद क्या देशज था, विदेशी शब्द था और संकर शब्द था। तो अगली वीडियो में हम लोग स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर पांचों क्लियर कर लेंगे। फिर इसके अगली वीडियो में व्याकरणिक प्रकार के आधार पर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तीन वीडियो में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम लोग इसके प्रकार पढ़ लिए, प्रकार पढ़ने के बाद हमने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ पढ़ा है। दोस्तों ध्यान देना है, जो कोई छोटा एग्जाम होता है जैसे सीटेट हुआ, टेट हुआ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, बीएड हुआ, तो उसमें शब्द आ जाता है, क्वेश्चन प्रश्न आ जाएगा आपका कि ये क्या है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है। तो आप देख लेना, रूढ़ शब्द होगा उसे खंडित ही नहीं किया जाएगा, योग रूढ़ होगा जैसे आ गया मान लो रसोई घर, तो आपको पता है ये दो शब्द से मिलकर बना है, तुरंत यौगिक शब्द पे लगा दोगे। उसके बाद योग रूढ़ वाला ये आपको पता ही चल रहा है कि जिसका अर्थ अलग कहीं निकलता हो इस उसमें और तात्पर्य उसका सिर्फ और सिर्फ एक पे ही जाता हो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। अब मिलेंगे अगली वीडियो में तद्भव तत्सम, देशी विदेशी और संकर शब्द के साथ। तो आज के लिए नमस्कार।